केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की पौधारोपण अभियान के तहत जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड और इफ्को के संयुक्त तत्वावधान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखनाथ स्थित जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड परिसर में नीम का पौधारोपण किया। इस मौके पर एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, सांसद कमलेश पासवान, शरद त्रिपाठी, विधायक संत प्रसाद, संगीता यादव, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के उपसभापति जितेंद्र बहादुर सिंह, जिला सहकारी बैंक के सभापति विजय प्रताप सिंह, केंद्रीय उद्यमिता के सभापति निरंकर त्रिपाठी, इफ्को के निदेशक योगेंद्र कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसके पश्चात योगी आदित्यनाथ का स्वागत माल्यार्पण और बुके भेंट करके किया गया। सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे वृक्षारोपण की प्रशंसा करते हुए इसे आम लोगों के हित में बताया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए सहकारिता विभाग के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग ने 15 अगस्त को 1,00,000 नीम का पेड़ लगाने का जो लक्ष्य रखा है वो वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 5 करोड़ पौधों का रोपण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हर पेड़ की अपनी अलग उपयोगिता है। अगर हम स्वयं की स्वार्थ के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते तो आज प्रकृति के भयानक रूपों का हम सबको सामना नहीं करना पड़ता। समय से चेतने की ज़रूरत है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इफ्को ने नीम की फली से जो पदार्थ बनने के काम को उठाना है वो काफ़ी सराहनीय है। इफ्को और सहकारिता विभाग के इस प्रयास से किसानों को प्रति वर्ष 12,000 रुपये अतिरिक्त आय होगी। उपजता है, धरती माँ की ये पुकार है, हमें वापस दे। पूज्य महाराज जी का स्वागत है, अभिनंदन है। पूज्य महाराज जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस बृहद वृक्षारोपण एवं सहकार सम्मेलन का के कार्यक्रम के उद्घाटन करें, दीप प्रज्वलन करके पूज्य महाराज जी ने बृहद नीम वृक्षारोपण एवं सहकार सम्मेलन के कार्यक्रम का उद्घाटन की घोषणा की। स्वागत करें। वर्मा जी माननीय मुख्य अतिथि जी का, माननीय सहकारिता मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। तो बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। सहकारी समितियों के माध्यम से सभी प्रकार के उर्वरक, जैव उर्वरक, वाटर सैलमन फेड, जितने तरीके के कृषि निवेश जैविक है, रासायनिक है, सब हम सहकारी समिति के माध्यम से भेजते हैं और किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं। हमारी बहुत कई और सारी संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं भी निरंतर किसानों के लिए कृषि निवेश और सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब नीम कोटेड यूरिया का संकल्प लिया कि देश की पूरी यूरिया नीम कोटेड होगी, हमारे प्रबंध निदेशक डॉक्टर वीएस अवस्थी साहब ने संकल्प लिया कि नीम का तेल कहाँ से आएगा, नीम जैसा कल्प वृक्ष हमको लगाना चाहिए, और हमने तब से अब तक 3 साल में 50,00,000 नीम के पौधे पूरे देश में वितरित किए हैं, करने के लिए वचनबद्ध है। सूखी निमोली 15 रुपए किलो बनाएंगे फूलपुर संयंत्र में। सभी तरीके के जैविक उत्पाद हम जो खेती के लिए आवश्यक हैं अपने फूलपुर संयंत्र में बनाएंगे और अपने प्रदेश के किसान भाइयों को उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त जो सबसे प्रमुख उपलब्धि और प्रमुख जो दृष्टिकोण है हमारे माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का, कि मृदा परीक्षण का कार्य के पश्चात जो जैविक खेती को बढ़ावा मिला है, पहली बार देश में कोई ईमानदारी से काम हुआ है जिसके तहत टिकाऊ उत्पादन प्राप्त किया जा सकेगा। पशुओं और समस्त मानवों के प्रत्येक कीट और रोग को मारने की क्षमता ही नहीं रखता, बल्कि यहाँ तक बीमारी और उसके तन की जो चिंता है वो भी दूर हो जाती है। ये तो ऐसा अद्भुत पौधा है, वातावरण के भद्रता का, और साथ ही साथ केवल इस पीढ़ी को नहीं
अगली पीढ़ी को विश्वास रखने की एक कल्पना का, और उसमें भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, पूज्य योगी जी ने 9 करोड़ वृक्षों का जो संकल्प आज के दिन लिया है, बहुत ही अद्भुत है। मैं इन विषयों से परे एक विषय और रखना चाहता हूँ। आज सारे सहकारिता के बंधु हैं। पूज्य योगी जी ने हमको आदेश सहकारिता विभाग में काम करने के लिए दिया है, इसलिए हमने एक काम तो कर लिया है। लगभग 85% लोगों का स्थानापन्न हो गया, लेकिन सहकारिता का कोई काम अभी नहीं हुआ है। यह स्थानापन्न सहकारिता का काम नहीं है, ये तो मात्र सहकारिता के लिए अवसर देने का काम है। काम है वह साधन सहकारी समितियां जो जिनसे किसान जुड़ा हुआ है, उस किसान के चेहरे पर हम मुस्कान कैसे ला सकते हैं, वो कैसे अनुभव करे कि सहकारी समिति हमारी है, कैसे उसके दुख दर्द में हम खड़े हो जाएं, केवल उसका अनाज खरीद ले, उसको खाद दे दे, उसको बीज दे दे, इतना पर्याप्त नहीं है, इसे आगे जाना पड़ेगा। आगे जाना पड़ेगा माने हर आवश्यकता उसकी जो किसान की है, उस पर किसान अनुभव करे कि ये मेरी दुकान है, ये मेरा परिवार है, मैं इसका हूँ, और आगे बढ़कर आज काम करना पड़ेगा, पशु आहार का काम करना पड़ेगा, औषधियों का काम करना पड़ेगा, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट जो है, हसिया खुरपा इस प्रकार के सामान का। ये सहकारी समितियां अब केवल इतने काम में न रहे, किसान के प्रत्येक काम के लिए आगे बढ़े, यह हम जब कृत संकल्प होंगे और पूज्य योगी जी का आशीर्वाद हमको प्राप्त है, वह आशीर्वाद इस दिशा में भी हमको मिलेगा कि हमारी समितियां यह किसान के चेहरे पर मुस्कान लाएंगी और उनको ये दिखाएंगी कि हम ही तुम्हारे हैं, हम आपके बीच के हैं, ये अवसर लाकर हमको देना है। एक बार फिर से भारत माता को प्रणाम करेंगे। धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से सागरा अनुरोध है कि वह 5 कृषकों को श्रीमती अनुपमा सिंह, ग्राम डांगी पार, पोस्ट घोराबार गोरखपुर, ग्राम काष्ट मिश्रौली, पोस्ट गोला बाजार गोरखपुर, और श्री ओम प्रकाश एक और दीजिए। नीम का पौधा वितरण किया गया। अब हम इसको लगाओ, घटा ठीक करना चाहिए, मिट्टी डालो, पहले मिट्टी डालो, आंवला रख दिया, दबाइए पहले पूरा दबाइए, नीचे रहिएगा रोगा जी, दबाने में क्या दिक्कत आ रही है, हावड़े से तो उसको कायदे से हाथ बचा करके पहले इसको दबाओ यार, कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बयाहरी वर्मा जी, माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, श्री शरद त्रिपाठी जी, माननीय विधायकगण श्री संत प्रसाद जी, श्रीमती संगीता यादव जी, उप सभापति कोऑपरेटिव बैंक उत्तर प्रदेश श्री जितेंद्र सिंह जी, सभापति जिला सहकारी बैंक विजय प्रताप सिंह जी, सभापति DCF मोहन सिंह जी, सभापति केंद्रीय उपभोक्ता समिति श्री निरंकार त्रिपाठी जी, डायरेक्टर निर्माण समिति श्री मार्कंडे राय जी, इफ्को के निदेशक विपणन श्री योगेंद्र कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सहकारिता से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, देश की स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, साथ ही साथ सहकारिता विभाग को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं
कि इन्होंने 1,00,000 नीम के पौधे अकेले गोरखपुर जनपद में लगाने के एक बड़े लक्ष्य को अपने हाथ में लिया। जब मैं आपके बीच में इस बात को यहाँ पर उल्लेख कर रहा हूँ, तब उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक वन विभाग के द्वारा और प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा जन सहयोग से 5 करोड़ से अधिक वृक्षों का अब तक सफलतापूर्वक रोपण किया जा चुका है। सायंकाल तक ये संख्या और तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। नीम हो या कोई भी वृक्ष, उसकी अपनी उपयोगिता है। जैसे मनुष्य के जीवन की उपयोगिता है, वैसे ही इस सृष्टि के लिए, जीव सृष्टि के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए इन पेड़ों की, इन वृक्षों की भी अपनी उपयोगिता है। अगर हमने अपने स्वयं के स्वार्थों के लिए पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं किया होता, तो आज हमें पर्यावरण की विसंगति के कारण होने वाले तमाम प्रकार के उन विकृतियों का, उन विरोधाभासों का सामना करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता, जिनसे आज हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जूझ रहे हैं। समय है, ये जो वर्तमान के पर्यावरण के बदलाव की जो स्थितियां हैं, ये हमें बहुत सारे संकेत भी करती है, और खासतौर पर इस बात का कि हम समय रहते इस चेतावनी को समझें, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। भारतीय मनीषा ने सदैव से वृक्षों के महत्व को समझा है, और इसीलिए उन्होंने इसके महत्व को समझते हुए हर संकरी के रूप में पीपल, बरगद, पाकड़, पंचवटी के रूप में, पंचवटी की महत्व कौन नहीं जानता है, ग्रह प्रकोप से दूर करने के लिए 9 ग्रह वाटिका, नक्षत्रों के दोष से मुक्त करने के लिए नक्षत्र वाटिका, 27 नक्षत्रों के अलग अलग पेड़ है, 9 ग्रहों के अलग अलग पेड़ हैं, पंचवटी के अलग अलग पेड़ हैं, हर संकरी के भी अलग अलग पेड़ हैं। इन सबको अधिकाधिक मात्रा में रोक करके हम न केवल इस जीव सृष्टि की अभी तो पूरे ब्रह्मांड की परिकल्पना को, जो भारतीय मनीषा ने इसके बारे में सोच पैदा की थी, उसको साकार करने में अपना योगदान दे सकते हैं। आज का एक बड़ा कार्यक्रम है, जब सहकारिता विभाग के द्वारा 1,00,000 नीम के वृक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर जनपद के अंदर लगाए जा रहे हैं, एक बड़ा अभियान है। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि यहाँ पे हमारे सहकारिता मंत्री ने कहा भी कि नीम पहले लगता था, लोग उसका बहुत उपयोग नहीं कर पाते थे, नीम के डंठल को बहुत होगा, लोग दांतों के रूप में उपयोग कर लेते थे, या कहीं कोई झाड़ फूंक करने के लिए, कृमि आदि के प्रकोप से बचने के लिए उसका उपयोग करते थे। लेकिन अब नीम की फली का उपयोग, 1 किलो का दाम 15 रुपये मिलेगा, और सहकारिता विभाग उसको क्रय करेगा। नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने एक सुरक्षा कवच प्रदान करने का प्रयास किया है, और किसानों के हाथों में उनकी आय को दुगना करने का एक दूसरा मंत्र भी दिया है। हम इसका उपयोग करें, इस दृष्टि से आवश्यक है कि अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करें। अभी हम इससे पहले कुसमी जंगल में थे, कुसमी जंगल में भारी पैमाने पर वहां पर भी वृक्षारोपण हुआ है, और मुझे प्रसन्नता है कि लोगों ने स्वतः स्फूर्त भाव के साथ इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके अपना योगदान दिया है। मुझे बताया गया कि कुसमी का जो जंगल है वह तमाम प्रकार की जैव पारिस्थितिकी से भरा पड़ा है, वहां साकू भी है, सागौन भी है, वहां नीम भी है, वहां बरगद भी है, वहां जामुन भी है, वहां अशोक भी है, वहां खैर भी है, और भी अन्य तमाम प्रकार की इमारती लकड़ियां एक साथ एक जंगल में हमें मिल सकेंगी, यह देखते हुए एक अद्भुत दृश्य वहां पर देखने को मिला था। मैं आज के इस अवसर पर
सहकारिता विभाग के द्वारा तो एक बृहद अभियान प्रारंभ किया गया है। यह सहकारिता अभियान वास्तव में समाज की असली ताकत है। हमने सहकारिता के महत्व को समझने का अगर प्रयास किया होता, हम अपने गांव में यज्ञ करते हैं, प्रशासन या शासन उसमें सहयोग नहीं करता, गांव के सभी लोग आपसी समन्वय और सहयोग से उस पूरे कार्यक्रम में सहभागी बनकर के उसको सफल बना लेते हैं। ये सहकारिता का एक बेहतर उदाहरण हो सकता है। हम अपने जीवन के हरेक कार्यक्रम को अगर इस सहकारिता के भाव के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो हम विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं, लोगों के बेहतर रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं, आम नौजवान को, समाज के प्रत्येक तबके को एक नए सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। और सहकारिता विभाग ने आज उस दिशा में एक नया कदम उठाया है। यहाँ पर सहकारिता से जुड़े हुए तमाम लोग हैं। श्री जितेंद्र बहादुर सिंह अभी उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, पहली बार उनसे मुलाकात यहाँ पर हो रही है, लेकिन मैं बधाई दूंगा कि वे अपने भाई से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और शामिल होने के बाद आज उनकी ताकत को पार्टी ने महसूस किया, वे डेलीगेट बने, फिर डायरेक्टर बने और आज उपसभापति के रूप में, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के उपसभापति के रूप में आज निर्वाचित होकर के यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि कोऑपरेटिव क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम जो विभूतियां हैं, यहाँ पर जिला सहकारी बैंक के विजय प्रताप सिंह जी हैं, DCF से श्री महंत सिंह जी हैं, केंद्रीय उपभोक्ता निर्माण समिति में श्री निरंकार त्रिपाठी हैं, श्री मार्कंडे राय हैं, यानी ये सभी लोग कोऑपरेटिव क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं लोग कोऑपरेटिव क्षेत्र के माध्यम से, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए अनेक योजनाओं का सृजन करके उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकते हैं। हमारे अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए, अल्पसंख्यक जो आयोग से जुड़े हुए सदस्य भी, वारसी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। अरुण सिंह जी भी खड़े हैं। नहीं, वो अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं, बख्शीस अहमद वारसी से यार खड़े होके लोगों को दर्शन तो दे दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के 40 वर्षों का कार्यकर्ता है और आज अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बना है। ये कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं और खासतौर पर सहकारिता आंदोलन को पुनर्जीवित किए जाने की आवश्यकता है। हम अगर चाहते हैं कि वास्तव में समाज को स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जाए तो स्वावलंबन की सही ताकत यह सहकारिता दे सकती है, सहकारिता का आंदोलन दे सकता है। मुझे विश्वास है कि श्री मुकुट बिहारी जी के नेतृत्व में आप सब इस आंदोलन को एक नई गति देंगे। उस आंदोलन की ही श्रृंखला में आज यह कार्यक्रम है जिसमें हम नीम के पेड़ उपलब्ध करवा रहे हैं और मैं आप सबसे कहूंगा यहां पर जितने लोग आए हैं वे सब नीम का एक पेड़ अपने घर पे तो जरूर लगाएं, सहजन का पेड़ भी जरूर लगाएं और साथ साथ वृक्षारोपण अधिक से अधिक मात्रा में करें। अभी मेरे पास जो आंकड़े आए हैं इसमें 5,50,00,000 वृक्षारोपण अब तक पूरे प्रदेश के अंदर हो चुके हैं, 5,50,00,000 और सायंकाल तक संख्या और भी आगे बढ़ेगी। मुझे विश्वास है वृक्षारोपण के इस महाअभियान में हम प्रदेश के अंदर पर्यावरण के प्रति जागरूकता का एक नया संदेश देंगे। आज के इस अवसर पर एक बार पुनः आप सबको हृदय से बधाई, अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को देता हूं विराम। धन्यवाद। जय हिंद।